भारत में केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। अगर हम अपनी पॉपुलेशन को देखें, जनसंख्या को देखें, तो कई यूरोप के देश उसमें आ जाते हैं। इसलिए अगर हम किसी यूरोप कंट्री के साथ, किसी कंट्री जो यूरोप में उसके साथ कंपेयर करें, तो वो तो एक हमारे स्टेट के जितने उनकी पॉपुलेशन है। इसलिए मेरा ये मानना है कि एब्सोल्यूट नंबर से हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर हमें कंपेयर करना है तो नंबर ऑफ केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से दे सकते हैं। अगर हम उस हिसाब से देखें तो हमारा नंबर का बहुत नीचे है। या फिर जो मेरे मानने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे यहाँ डेथ्स कितनी हो रही है। केसेस तो बढ़ेंगे, लेकिन अगर हम अपने डेथ रेट को कम रख सकते हैं, अगर हम लोगों की जान बचा सकते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। केसेस ज़्यादा हुए और वो सब ठीक हो गए, तो उसमें कोई हमें घबराने की बात नहीं है। ये ऐसी बीमारी नहीं है जिससे लॉन्ग टर्म कोई डैमेज हो जाता है। इसलिए हमें अपना डेथ रेट जो है वो हमें कम करने की कोशिश करनी। तो ये सारी जो कैलकुलेशन है, ये मैथमेटिकल मॉडलिंग पे है, और ये बहुत सेंटर्स कर रहे हैं, कई लोगों ने की हैं। कई लोगों की ने कहा था कि दिल्ली में कई केसेस कम होंगे, कई ने कहा था कि मई की एंड या जून के शुरू में बहुत ज़्यादा केसेस हो जाएंगे। तो ये एक मैथमेटिकल मॉडलिंग और कैलकुलेशन है। कहना ये कि इतने होंगे या नहीं, ये तो मुश्किल है, लेकिन मेरा ये मानना है कि केसेस जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, हमें तैयारी करनी चाहिए कि हम अपने दिल्ली में पूरी तरह से सतर्क रहें, तैयार रहें कि अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो हमारी फैसिलिटीज रेडी हैं उन ज़्यादा लोगों को एडमिट करने के लिए। हम स्ट्रैटेजी बनाएं जिससे हम इस कैपेसिटी को होल्ड एडमिट कर पाएं, या फिर उन लोगों को जिनको एडमिशन की ज़रूरत नहीं है उनको घर पे हम आइसोलेट कर पाएं और होम केयर दे पाएं, और उन पे हम पूरी तरह से नज़र रखें जिससे हॉस्पिटल पे लोड ना ज़्यादा बने। देखिए, टेस्टिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमें टेस्टिंग करनी चाहिए जिससे हमें कोई उससे नतीजा मिले जो हम अपने पॉलिसी में या पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कर सकते हैं। एसिम्प्टोमेटिक लोग जो हैं, उनमें जो लक्षण हैं वो तो कोई है नहीं और अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो जो हमें सिम्टोमेटिक लोग हैं या एसिम्प्टोमेटिक हैं लेकिन सिम्टोमेटिक के क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको टेस्ट करने में फ़ायदा है जिससे उनके जो आसपास हैं हम इन्फेक्शन आगे फैलने से रोक पाएं। टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ी है। एक टाइम था जब हम 10 से 20 हज़ार टेस्ट रोज के कर रहे थे, अब हम 1.5 लाख टेस्ट रोज कर रहे हैं और ये आगे और बढ़ेगी। तो टेस्टिंग कैपेसिटी तो है, लेकिन हमें टेस्ट रैंडमली करने का फ़ायदा नहीं है। हम अगर कहें कि हम 5% सारी अपनी पॉपुलेशन का टेस्ट करेंगे तो वो 7 करोड़ टेस्ट हो जाता है, और वो सब कहें अगर हम एक टाइम पे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने आपका आज टेस्ट किया और आप नेगेटिव हैं, हो सकता है 5 दिन बाद आप पॉजिटिव हो जाएं, क्योंकि इतना इंक्यूबेशन पीरियड है और वायरल लोड चेंज करता है। तो इसलिए टेस्टिंग तभी करनी चाहिए अगर हम उससे कुछ नतीजा निकाल पाएं जो हमारे पॉलिसी में या पेशेंट केयर में इफेक्टिव होगा।